हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज हिस्टोरिक मिंजार फेयर हेल्ड। तो मिंजार का जो मेला लगता है दैट हैज बीन हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 8 दिन के लिए हिस्टोरिक ये मेला यहाँ पर लगता है and it has been concluded with the immersion of Minjars in the Ravi River. Ravi Nadi mein Minjars ko bahane ke baad ye mela jo hai wo conclude ho jata hai, jahan par local deities jo hain inhe palki mein bithakar jo hai ghumaya jata hai. So it's a very important festival of Himachal Pradesh and iske liye ek proper procession nikali jati hai, procession of the palanquin. लोग जो जहाँ जहाँ से ये जो प्रोसेशन निकलता है वहाँ पर लोग कुंजड़ी मल्हार गाते हैं जो कि एक लोकल सीजनल सॉन्ग है। सो ऑल दीज आर प्रीटी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी के किनारे एक मंजरी गार्डन है, यहाँ पर भी जो है रिचुअल्स किए जाते हैं, ट्रेडिशनल रिचुअल्स यहाँ पर किए जाते हैं। चंबा का ये जो फेमस मिंजर फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे हिस्ट्री या जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वो ये है कि ये 10th सेंचुरी में शुरू हुआ था, 10वीं सदी में ये शुरू हुआ था, टू मार्क द विक्ट्री ऑफ चंबाज किंग साहिल वर्मा ओवर द किंग ऑफ कांगड़ा। तो चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मा, इन्होंने कांगड़ा के राजा के ऊपर जीत हासिल की थी और उस ओकेजन को मनाने के लिए मिंजर फेस्टिवल मनाया जाता है। सो फ्रॉम द historical perspective of Himachal Pradesh and for the culture of Himachal Pradesh, this is an important festival. Next, Shimla Police Abhar Yojana for Armed Forces Personnel is a hit. तो Shimla Police ने जो Shimla जिले में रहने वाले Armed Forces Personnel हैं, यानी कि Army, Navy, Air Force या फिर Paramilitary के जितने भी जो Serving Personnel हैं, उनकी फैमिलीज को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए एक आभार योजना या फिर ग्रैटिट्यूड स्कीम लॉन्च की थी। सो आभार योजना और ग्रैटिट्यूड स्कीम स्टार्टेड बाय शिमला पुलिस टू रिड्रेस द इश्यूज ऑफ आर्मी जवान्स एंड पैरामिलिट्री पर्सनल। तो एक स्कीम शुरू की थी जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बेसिकली द रीजन इज कि जो आर्मी जवान पैरामिलिट्री पर्सनल वगैरह होते हैं ये ज्यादातर वक्त अपने घर पर नहीं होते, सो दे आर अवे फ्रॉम देयर हाउसेज फॉर मंथ्स ऑन एंड। कई लोग तो 11 महीने के लिए ड्यूटी पर होते हैं और 1 महीने के लिए वो अपने घर वापस आते हैं। तो ऐसे में उनकी फैमिलीज को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए उसके लिए एक सेपरेट स्कीम शुरू की गई है। सो द फैमिलीज ऑफ दीज आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल कैन डायरेक्टली अप्रोच द पुलिस ऑन अ मोबाइल कॉल। तो एक स्पेशल मोबाइल नंबर इन लोगों को प्रोवाइड कराया गया है जिसपे डायरेक्टली ये सीधा पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं और इनके लिए एक स्पेशल रजिस्टर भी मेंटेन किया जाएगा जिनमें सिर्फ इनकी कंप्लेंट्स लिखी जाएंगी ताकि उन्हें स्पीडी वे से रिड्रेस किया जा सके। देयर कॉल विल बी ट्रीटेड एज कंप्लेंट्स एंड दे विल बी रेफर्ड टू द पुलिस स्टेशन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में पुलिस स्टेशन जो ये कंप्लेंट्स है वो रिड्रेस की जाएंगी। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट? उन्होंने कहा है कि हमें भी इंक्लूड किया जाए। बेसिकली अभी तो सर्विंग मिलिट्री पर्सनल ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं लेकिन एक्स सर्विसमैन को भी इसमें इंक्लूड करने की बात जो है वो चल रही है। सो इट इज़ लाइक ग्रैटिट्यूड टू ऑल द सिक्योरिटी पर्सनल सर्विंग इन द नेशन। देश में जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको ये एक तरह से आभार जताने का एक तरीका है शिमला पुलिस का। और ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि इसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट करने का जो है वो पूरा पूरा प्रपोजल है। सो द स्कीम वुड बी एक्सटेंडेड टू एक्स सर्विसमैन ऑल्सो और इसे बाकी जिलों में भी धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। कॉल को कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे 24 घंटे में रिड्रेस करने के ऊपर जो है वो कोशिश की जाती है। इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिससे कि कंप्लेंट्स एंड इश्यूज ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस इज कलेक्टेड एंड डेटा विल बी एनालाइज्ड टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स टू रिजॉल्व द इश्यूज। ताकि अगर वो ज़्यादातर वक्त अपने घर पर नहीं होते तो उन्हें किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। तो पुलिस हेडक्वार्टर्स इस स्कीम को इवेलुएट कर रहे हैं, अगर ये स्कीम अच्छे से सक्सेसफुल मानी जाती है देन दिस स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द स्टेट। तो पूरे स्टेट में इसे इम्प्लीमेंट
किया जा सकता है। तो एक गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छी स्कीम है, गुड गवर्नेंस इट शोज। तो किसी भी स्कीम को उसके इम्प्लीमेंटेशन के कुछ देर बाद इवैल्यूएट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और इसकी इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग में अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। नेक्स्ट बिट ऑफ नेगेटिव न्यूज, सो टू से, ई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सभी स्टूडेंट्स की, बट ओवर 18,000 हिमाचल स्टूडेंट्स हैव नो एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, विच हैज बिकम अ साइन क्वा नन इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव इन दीज टाइम्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो 18,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, और 225 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर या तो बहुत ही पुअर या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है। सो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम एज फार एज ई एजुकेशन इज कंसर्न। सो दे हैव लिटल एक्सेस टू ऑनलाइन टीचिंग, देयर बाय लैगिंग बिहाइंड अदर्स। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, आई मीन दे आर इवनली स्प्रेड, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो चंबा में ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, एंड देयर आर 225 स्कूल्स दैट हैव नो और पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कूल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो काफ़ी सारे ऐसे रिमोट और हिंटरलैंड एरियाज हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इंटरनेट ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। ये जानकारी दी एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद ठाकुर जी ने जब वो वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे थे सभी टीचर्स और पेरेंट्स से, और इसीलिए उन्होंने कुछ देर पहले डोनेट अ मोबाइल कैंपेन भी शुरू किया था। सो ही स्टार्टेड अ डोनेट अ मोबाइल कैंपेन, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को अगर कोई फ़ोन डोनेट करना चाहता है तो वो कर सके। और इसके बाद 1,000 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा चुके हैं, विच इज़ लाइक फिलिंग द गैप, लेकिन प्रॉपरली इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को कोई स्कीम लेके आनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, दे वर प्रोवाइडेड कंप्यूटर जनरेटेड एंड हैंड रिटन कॉपीज ऑफ लेसन्स, but it is not the same as providing digital education. The children who are deprived of digital education may lag behind other students in their studies, right? तो सबसे पहले ये जो स्कीम शुरू की जाएगी जिसमें स्मार्टफोन प्रोवाइड कराए जाएंगे स्टूडेंट्स को, सो क्लास 10 से प्लस 2 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले फेज में स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और BSNL जो कि स्टेट यू कैन से PSU है, स्टेट टेलीकॉम कंपनी है, तो इसके भी बात चल रही है ताकि वो इस ऐसी जगहों पर टावर्स लगा सकें जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, दैट इज़ मोस्टली इन कुल्लू एंड इन सिरमौर। इसके अलावा और भी बहुत सारे ज़िले हैं जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, और कुछ जगह मंडी और ऊना में, बिसाइड्स इवन अ प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो इस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना is the second step, and the first step is to provide smartphones, जिससे कि e-education या e-learning को promote किया जा सके। So e-learning is the new normal, especially after the COVID-19. तो ऐसे में इस तरह की स्कीम चलाना बहुत ज़रूरी हो गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सो दिस इज़ हाउ द गैप्स कैन बी ब्रिज्ड, और इससे जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जा सकता है। ड्रॉप आउट रेट नहीं तो ज़्यादा होने के चांस हो जाएंगे, जिससे कि जो यूनिवर्सल एजुकेशन है उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड ऑल्सो दिस स्कीम इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट ओइंग टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाता है। तो इस फंडामेंटल राइट को फुलफिल करने के लिए अगर ई लर्निंग के थ्रू ये सब कुछ प्रोवाइड कराना पड़ता है स्टेट को, सो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। So under Article 21, right to education, all these things have to be mandatorily provided to all the students and all the schools, right? So this is what I found important in this week's current affairs. If you liked the video, please subscribe to the channel and send it and share it with your friends. Thank you and have a nice day.